Good morning, dear children. Today we are going to do lesson 11, the story game. This is page number 84. Okay, let's start. What do you like doing best in your free time? आपको क्या अच्छा लगता है अपने free time में करना? You like to watch TV, draw picture, play with your pet, listen to a story, listen to music, play an indoor game, read a book, dance or sing a song. इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, any two things you will tick. Okay? Now let's start the chapter. It was raining in the evening. One day in the evening it was raining. That means it was a rainy day. Father said, "Let's play the story game. I will start a story and each of you will add a sentence." So it was a rainy day, one day in the evening, and father said that let's play a story game. Ek game khelte hai, aur wo kaun sa game hai? It's a story game. That I will start a story, main story shuru karunga, and aap sab usme ek sentence add karenge. The children shouted, "What fun!" And all the children here, they shouted, "Wow, it will be fun. Ki bahut maza aayega." Come to the next page. It is page number 85. Father. A sparrow family. So father starts a story. A sparrow family lived in a banyan tree near a river. कि एक स्पैरो फैमिली थी और वो कौन से ट्री पे रहती थी? बैनियन ट्री पे, जो रिवर के पास था. नियर अ रिवर मतलब रिवर के पास. वन डे सम पिजन्स, आउल्स एंड पैरट्स केम टू द ट्री. दे आस्क्ड मिस्टर स्पैरो, मे वी मेक आर हाउसेस इन दिस ट्री? कि वहाँ पर कुछ पिजन्स आए, आउल्स आए एंड पैरट्स आए, और उन्होंने मिस्टर स्पैरो से पूछा कि क्या हम भी अपने घर यहाँ पे बना सकते हैं? जैसे हम घर पे रहते हैं, हाउसेस में रहते हैं, ऐसे ही बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं. बर्ड्स के हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ नेस्ट. यस ऑफ कोर्स सेड मिस्टर स्पैरो. एंड मिस्टर स्पैरो से हाँ हाँ बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स. सो द बर्ड्स looked around at the branches. तो इन सब birds ने आसपास tree के देखा, tree की branches को, कि हमें कौन सी branch पर बनाना चाहिए अपना tree, अपना house, अपना nest. So now it's the turn of Anya. Anya, Miss Pigeon chose a branch and said, "This is nice. I am making my house on this branch." So Anya says कि मिस पिजन जो है उसने एक ब्रांच चोज करी. शी चोज अ ब्रांच एंड सेड, ये ब्रांच अच्छी है, इट्स नाइस, और मैं अपना हाउस, मैं अपना नेस्ट इस ब्रांच पे बनाऊंगी. रवि, मिसेस आउल चोज हर प्लेस एंड सेड, "ओह, दिस इज़ अ लवली प्लेस. आई एम मेकिंग माय हाउस इन दिस होल हेयर." फिर रवि की बारी आती है और रवि कहता है कि मिसेस आउल ने भी अपनी एक जगह चुनी और उसने कहा, "दिस इज़ अ लवली प्लेस. मैं अपना होल, मैं अपना घर यहाँ पर बनाऊंगी तान्या, मिस्टर पैरट. नाउ इट्स द टर्न ऑफ मिस्टर पैरट. अब तान्या मिस्टर पैरट के बारे में बोलती है, "आई थिंक द ब्रांच अबव मिस्टर स्पैरोज़ होम इज़ गुड फॉर मी." तो मिस्टर पैरट सेज कि जहाँ पे मिस्टर स्पैरो का घर है, मैं अपना घर उसकी ऊपर वाली ब्रांच पे, अबव की ऊपर वाली ब्रांच पे मैं अपना घर बना लूँगा. ही लुक्ड अप, "ओह लुक, देर आर कैटरपिलर्स अंडर द लीव्स." और वो देखता है फिर पैरट कि वाओ, कि देखो, ओ लुक, वहाँ पर लीव्स के अंडर मतलब लीव्स के नीचे बहुत सारे कैटरपिलर्स भी हैं. सूजन, देयर वॉज अ लॉट ऑफ फूड फॉर एवरीवन. द ट्रीज अराउंड हैड जूसी बेरीज फॉर ऑल द बर्ड्स. अब सूजन की टर्न है और वो बोलती हैं,
कि सारे बर्ड्स के लिए बहुत सारा फूड है, फॉर एवरीवन मतलब सबके लिए. द ट्रीज अराउंड हैड जूसी बेरीज फॉर ऑल द बर्ड्स. और जो आसपास के ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ अराउंड मतलब उस ट्री के जो आसपास के ट्रीज़ हैं, उन सब पर जूसी बेरीज हैं जो सारे बर्ड्स, फॉर ऑल द बर्ड्स मीन्स सारे बर्ड्स उनको खा सकते हैं. मिसेस आउल फाउंड लॉट्स ऑफ टाइनी एनिमल्स ऑन द ग्राउंड. और फिर मिसेस आउल देखती हैं कि ग्राउंड पे नीचे बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स हैं. द स्पैरो फैमिली हेल्प देयर न्यू फ्रेंड्स. द बर्ड्स वर वेरी हैप्पी इन देयर न्यू हाउसेस. और जो स्पैरो फैमिली जो वहाँ पे रहती होती है, कौन सी ट्री पर? बैनियन ट्री पर. उन सब उन्होंने अपने सारे न्यू फ्रेंड्स की हेल्प करी. एंड ऑल द बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स मतलब कौन कौन? पिजन्स, आउल्स एंड पैरट्स. दे ऑल वर वेरी हैप्पी अपने न्यू हाउस में, अपने नए घर में. सो नाउ अगेन फादर सेज दैट वॉज अ लवली स्टोरी. नाउ हूज स्टोरी टेलिंग वॉज बेस्ट. तो फादर कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छी स्टोरी सबने बनाई. एंड देन ही आज सबसे अच्छी बेस्ट स्टोरी किसकी थी, किसकी लाइन सबसे बेस्ट थी? द चिल्ड्रन थॉट फॉर अ वाइल. थॉट मतलब सब बच्चों ने थोड़ा सा सोचा. देन आन्या सेड आई थिंक सूजन स्टोरी टेलिंग इज बेस्ट. और फिर आन्या सेड, आन्या ने बोला कि मुझे लगता है कि सूजन ने सबसे अच्छी स्टोरी टेलिंग करी है. ऑल द कजन्स अग्रीड विथ हर. और सारे कजन्स ने आन्या को सपोर्ट किया और बोला कि यस सूजन स्टोरी टेलिंग इज बेस्ट. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दीज वर्ड मीनिंग्स. देयर इज ओनली वन वर्ड हियर, बेरीज. व्हाट आर बेरीज? स्मॉल राउंड फ्रूट्स विद मैनी सीड्स. यहाँ पे बनी भी हुई हैं. देर आर स्ट्रॉबेरीज, देर आर ब्लू बेरीज हेयर. ओके सो व्हाट आर बेरीज? स्मॉल राउंड फ्रूट्स विद मैनी सीड्स. नाउ वी आर गोइंग टू डू दी बैक एक्सरसाइजेज ऑफ द बुक टुडे. ओके सो आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एट योर होम. यू ऑल बी सेफ, बी ओनली एट योर होम, डोंट गो आउट एट ऑल. ओके गॉड ब्लेस यू माई डियर चिल्ड्रेन. बाय.